तो देखिए, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि आज उनकी पहली परीक्षा है। नगर निकाय चुनाव आज से शुरू होने जा रहे हैं और आज पहला चरण है। अब से सिर्फ 1.5 घंटे बाद यूपी में सीएम योगी की पहली परीक्षा शुरू हो जाएगी। विधानसभा चुनावों में बंपर जीत के बाद योगी सरकार के विकास कार्यों और जीएसटी के बाद ये पहला मौका है जब वोटर सरकार के निर्णय पर अपनी मोहर लगाएंगे। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोटिंग की जाएगी और इस चुनाव में जीत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रचार के लिए मैदान में उतरे हैं। पहले चरण में 24 जिलों में होगी वोटिंग। 1,09,000 मतदाता करेंगे मतदान। आसमान से रखी जाएगी वोटिंग पर नजर। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी निकाय चुनाव में आज अपना दम दिखाएगी। वहीं विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार का सामना करने वाली समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस इस चुनाव के जरिए अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश करेंगे। पहले चरण में नगर निगम चुनाव के लिए आज 5 नगर निगमों के लिए वोटिंग होगी। मेरठ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर में मेयर पद पर चुनाव है। पहली बार निगम बने अयोध्या में भी डाले जाएंगे वोट। 5 में से 4 नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। ७१ नगर पालिका, 154 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगी। 71 नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में 901 प्रत्याशी हैं। 154 नगर पंचायत चेयरमैन पद पर 1,678 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ऐसे तत्वों को चिन्हित किया गया है जो कानून व्यवस्था पर कुप्रभाव डाल सकते हैं या हिंसा करने की प्रवृत्ति जिनकी है। प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है, बहुत तगड़ा लिया गया है। कई अति संवेदनशील जनपद भी हैं और साथ ही साथ एक थंब रूल के तहत हम लोगों ने 10% जो हमारे बूथ हैं हर जिले में जहां पर चुनाव हो रहा है उसको अत्यंत संवेदनशील श्रेणी में रखते हुए वहां पर वेबकास्टिंग और सीसीटीवी का सेटअप और आवश्यकता अनुसार वीडियोग्राफी और ड्रोन कैमरास को भी लगाने की व्यवस्था की है और ये सब कार्रवाई हो चुकी है। इस बार का निकाय चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। सारी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के नगर निगम चुनाव पर पूरे देश की नजर है, जिसके लिए सीएम योगी आज वाराणसी पहुंचेंगे। वहीं कांग्रेस की ओर से राज बब्बर, गुलाम नबी आजाद मैदान में उतरेंगे। एसपी की ओर से आजम खान, अहमद हसन, राम गोविंद चौधरी भी अंतिम दौर में प्रचार की कमान संभालेंगे। दूसरे चरण में 25 जिलों के मतदाता 26 नवंबर को मतदान करेंगे। तीसरे चरण में 29 नवंबर को बाकी 26 जिलों के मतदाता निकाय चुनाव के लिए मतदान करेंगे। 1 दिसंबर को सबसे तेज नतीजे देखिए सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।